नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल चतुर्वेदी और बात करेंगे गदरपुर के नेशनल हाईवे की, जहां पर 74 पर रिद्धि सिद्धि की कंपनी के गोदाम में आग लग गई। आग लग जाने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी उधम सिंह नगर वंश बहादुर यादव ने बताया है कि रिद्धि सिद्धि कंपनी के गोदाम में आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को मौके पर लगाया गया। फायर ब्रिगेड और साथ ही साथ एनडीआरएफ द्वारा आग बुझाने का काम तेजी से चल रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल जनपद में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता दिवस के अवसर पर नैनीताल पुलिस विभिन्न स्थानों में जाकर स्कूली छात्र छात्राओं के साथ जन जागरूकता रैलियां निकाल रही है। आपको बता दें, इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल पंकज भट्ट द्वारा समाज से नशे की चेन को तोड़ने पर नैनीताल स्तर पर नशा मुक्ति समाज अभियान चलाए जाने हेतु जनपद के समस्त थाना एवं चौकी पुलिस को निर्देशित किया गया है। लक्सर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल ये हौसले अब इतने बुलंद हो चुके हैं कि आए दिन बेखौफ होकर चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने से चूक नहीं रहे हैं। बीते 2 दिन पहले ही रात में रुड़की बसेड़ी मार्ग पर आधा दर्जन दुकानों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी तहरीर आने पर FIR दर्ज कर आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, ये कहना है पुलिस का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कृष्ण नगरी वृंदावन पहुंचे हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति का स्वागत CM योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है। राष्ट्रपति वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो कृष्ण कुटीर आश्रम में निराश्रित माताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रवेश की बंदी रहेगी। जनपद में हर जगह पर पुलिस बल के साथ PSC के जवान तैनात किए गए हैं। जिला प्रशासन ने कृष्ण कुटीर आशाओं के पास 5 हेलीपैड बनवाए हैं, जहां राष्ट्रपति CM और राज्यपाल के हेलीकॉप्टर लैंड कर रहे हैं। दो नेपाली किशोरियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नेपाल बॉर्डर से सुहेलवा जंगल में मनचले दरिंदों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद घंटों भटकती रही पीड़िता और उसके परिजन, इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। नेपाल पुलिस के हस्तक्षेप के बाद बलरामपुर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। सीमावर्ती क्षेत्र के एक सप्ताह बाजार में सामान लाने आई थी नेपाली किशोरियां। पुलिस ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चोर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। हरैया थाना क्षेत्र के मलिकपुर बाजार की यह पूरी वारदात बताई जा रही है। और अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं, जहां पर फूड पॉइजनिंग की 2 सगी बहनें शिकार हो गई और उसके बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिवार के 6 और अन्य बीमार बच्चों का इलाज जारी है। रात में खाना खाने के बाद 2 मासूम समेत मां की हालत गंभीर बताई जा रही थी। तालग्राम थाना क्षेत्र के कायस्थान गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जिला अधिकारी ने CO SGM को जाँच के लिए मौके पर भेज दिया है। तालिबानी अंदाज में युवक को सजा देते पूर्व चेयरमैन के गुर्गे नजर आए हैं। दरअसल में एक युवक का सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा नेता पूर्व चेयरमैन संजीव यादव हैं, जिन्होंने जिले के तमाम ब्राह्मण एकत्रित करके SP कार्यालय वो पहुंचे। SP ने तहरीर के आधार पर मुकदमे को दर्ज कर लिया है और इसी के आदेश दिए हैं। करहल थाने के कस्बा करहल की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। अभी कुछ व्यक्ति आए, उनके द्वारा एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक युवक के साथ मारपीट की जा रही है। इस संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि करहल के चेयरमैन जो हैं, उनके पति द्वारा कुछ लड़कों को भेज के मारपीट करवाया जा रहा है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। विवेचन में जो तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
और यूपी के पीलीभीत जनपद में अमरिया ब्लॉक के पास ब्लॉक प्रमुख की दबंगई का मामला सामने आया है। पीलीभीत हरिद्वार नेशनल हाईवे 730 पर एक एमबीबीएस डॉक्टर की ब्लॉक प्रमुख और उसके गुर्गों ने जमकर जूते चप्पलों से पिटाई की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें, दबंगों ने छोटी सी बात पर पिटाई के बाद अपनी गाड़ी में उसे डाल दिया और अपहरण करने का प्रयास भी किया। वहीं डॉक्टर कूद कर अपनी जान बचाने में सफल हासिल हुआ। पुलिस ने डॉक्टर की तहरीर पर ब्लॉक प्रमुख और उसके गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। और खबर यह है कि पटरी पर फंस गई बाइक ट्रेन ने एक आपको बता दें कि परखच्चे उड़ा दिए हैं। बाइक सवार युवक ने ट्रेन को एक चपेट में वो आ गया था। दरअसल मैं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। तस्वीरें भयावह हैं, तस्वीरें डराती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बाइक सवार युवक रेलवे फाटक को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद वहाँ पर वो इस पूरे घटना का शिकार हो गया। ट्रेन तेज रफ्तार से आई, जरा तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से वो बाइक को पार करने की कोशिश कर रहा था उस रेल पटरी से, और उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रेन वहां से आई होकर गुजरी और उसके बाद इस युवक को उसने अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है, खबर यह है कि उस युवक के इस हादसे में शिकार होने के बाद परखच्चे उड़ गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लक्सर पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। पिछले 5 दिनों से चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। रायसी और नगला खिताब गांव में 5 अलग अलग घरों में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इन घटनाओं में चोरों ने लगभग 70 लाख से अधिक के सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि लक्सर में बढ़ते अपराध से आम आदमी बुरी तरह से परेशान हो रहा है। वहीं पुलिस का ये कहना है कि तहरीर आने पर मामले दर्ज किए जाएंगे और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सरोजनी नगर शहीद पथ में भीषण सड़क हादसे की खबर है। दरअसल में बाइक सवार युवक ने एक जोरदार टक्कर मारी है स्कूटी को, और जिसके बाद स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल बाइक सवार मौके से फरार बताया जा रहा है। यूपी के पीलीभीत जनपद में शासन की मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का सपना साकार करते हुए आज खकरा, आपको बता दें कि उसके किनारे खकरा नदी के किनारे आपको बता दें वर्षों से फैली हुई गंदगी की साफ सफाई कर खकरा रिवर फ्रंट के स्वरूप में विकसित किया गया है। साथ ही यहां पर पार्क के रूप में विकसित करने के साथ साथ यहां सहायता समूह ने एक कैंटीन बनाई गई है और लोगों को अपने परिवार के साथ यहां बैठने के लिए बेंच बनाई गई है, ताकि लोग अपने परिवार के साथ और यहां आकर अपना समय व्यतीत कर सके। यूपी की योगी सरकार आपकी समस्या को आपके द्वार पर खड़ी है। दरअसल में अब आप ब्लॉक तहसील के चक्कर मत काटिए, सरकार की योजनाएं लाजवाब हैं। एक ऐसी योजना के बारे में जिक्र कर रहे हैं। दरअसल में ग्राम पंचायत सचिवालय योजना के तहत गांवों में पंचायत सचिवालय चालू हो गए हैं, जहां ग्राम स्तरीय सभी समस्याओं का हल मिलेगा। योजना के तहत जिले के गांव में पंचायत घर बनाए गए हैं, जिसके बाद पंचायत घर में ही पंचायत सचिवालय में काम शुरू कर दिया गया है, जहां इंटरनेट से लैस जनसेवा केंद्र ने काम शुरू कर दिया गया है, जहां से आप जन्म मृत्यु आय परिवार रजिस्टर आदि तमाम सहूलियतें हासिल कर सकते हैं। उक्त पंचायत सचिवालय से आप पेंशन आवेदन जैसी तमाम मूलभूत सुविधाएं भी हासिल कर सकते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती है, पुलिस राजस्व स्वास्थ्य या शिक्षा विभाग का भी कर्मचारी पंचायत सचिवालय पर बैठकर आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। वहीं पूरे सिस्टम को चलाने में सरकार ने एक पंचायत सहायक की पंचायत सचिवालय पर नियुक्ति की है। सचिवालय में रहकर ही समस्याओं के समाधान का जवाबदेही होगी। डिजिटल सहूलियत की सेवा वहां मौजूद जनसेवा केंद्र सरकार आपको देगी। और अब आपको ऑनलाइन ठगी का एक अनोखा तरीका दिखाते हैं। दरअसल में जनसेवा केंद्र की आड़ में एक आपको ऑनलाइन ठगी करता हुआ एक शख्स दिखाई देगा।
शाहजहांपुर साइबर सेल ने एक बड़ी कार्रवाई की है और आपको बता दें कि थाना कैंट पुलिस ने इसके साथ मिलकर ऑनलाइन ठगी के मामले पर एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। जनसेवा केंद्र की आड़ में ये गिरोह ऑनलाइन नौकरी देने का फर्जी कॉल सेंटर का ये मौका चला रहा था। पुलिस ने मौके पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। ऑनलाइन ठगी करने के उपकरण में लैपटॉप, मोबाइल, 253 सिम कार्ड, स्कैनर बरामद किए गए हैं। बरामदगी के आधार पर 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उसी की आईडी पे है, तो इस प्रकार ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज गैंग था जिसको बस्ट किया गया है। और अब तक की जानकारी के मुताबिक लगभग 16 लाख रुपए ये लोग ले चुके हैं अलग अलग लोगों से। इसमें जो नीरज है उसने गाड़ी खरीद ली है, अपना मकान बनवा लिया है, और भी इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और भी अगर कोई इसमें विक्टिम्स हो या इनके अलावा इसके और मेंबर्स हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। थाना कार्ड पर इन अभियुक्तों के विरुद्ध संगत धारा के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सड़क किनारे हुए हादसे में बाइक सवार बुआ भतीजे के पैर टूट गए हैं। मांगलिक कार्यक्रम में खरीदारी करने बुआ भतीजे जा रहे थे। इकोना बाजार ये दोनों जा रहे थे। सड़क हादसा होने से खुशियों में मातम छा गया। दरअसल में स्थानीय लोगों ने घायल पड़े बुआ भतीजे को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर इधर फिलहाल इन दोनों का ही इलाज जारी है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। नींद आने की वजह से बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। श्रावस्ती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश विदेश की तमाम अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।